हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज ये फुल पटियाला सलवार बनाई है और इसको सिर्फ मैंने 3 मीटर कपड़े से बना के तैयार किया है। ये आप देख ही सकती हैं इसका फाइनल लुक। चलिए तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, मैं कविता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम 3 मीटर कपड़े से फुल पटियाला सलवार बनाना, जिसके लिए हमने 3 मीटर सैंटून का फैब्रिक लिया है। ये देखिए, कपड़ा काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट होता है। कभी भी सलवार बनाएं तो इस टाइप का ही कपड़ा लें, क्योंकि अगर हम कॉटन के कपड़े से बनाएंगे तो उसकी वो जो हमारा डिज़ाइन पीछे आता है प्लेटों का, वो नहीं आता है। तो इसीलिए आप इस टाइप का कपड़ा लें। इसी कपड़े से पंजाबी कुर्ती सलवार बनते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हमारा ये 3 मीटर कपड़ा है, इसको हम खोल के इसमें से बेल्ट और पार्ट कट कर लेंगे अपने। तो सबसे पहले हम अपने पार्ट कट करेंगे इसमें से। तो पार्ट के लिए हम कपड़े को इस तरीके से पहले 2 तह में बिछाएंगे, क्योंकि हमें जो बेल्ट यूज़ करनी है वो इसमें से जो कपड़ा बचेगा उसको ही हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम पहले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो इसको हम 4 तह में बिछा लेंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से 4 तह में बिछा लेना है। अब आपको यहाँ पे अपनी लंबाई का नाप लेना है, आपकी सलवार की जो लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ से जो कॉर्नर निकला हुआ है इसको मैं यहाँ से बराबर कर लूँगी, जो छोटा बड़ा है ये ऊपर से। सलवार की लंबाई है हमारी 40 इंच। अब 40 में हम 8 इंच की इसमें बेल्ट लगाएंगे, तो हम 8 इंच ऊपर निकाल के रखेंगे। और जहाँ पे भी आपका 40 आ रहा है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा 40 आ रहा है, और उसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन, तो हम टोटल 41 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ से। अगर हम ऐसे नापते हैं इसको, इस तरीके से नापते हैं, तो ये हमारा 33 इंच यानी 33 इंच है ये। तो हम यहाँ से पूरे पे 33 इंच पे निशान लगा लेंगे 33 पे, और एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब हम इन तीनों पॉइंट को एक दूसरे से ऐसे सीधा ही मिलाएंगे। ये मैंने कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अभी मैंने इसमें से मोहरी की चौड़ाई नहीं ली है, सिर्फ मैंने अभी लंबाई ली है। तो हम चौड़ाई के लिए क्या करेंगे कि जो बंद साइड है वहां से कपड़ा बचा देंगे, ताकि हमारे यूज में आ जाए वो कपड़ा। और सबसे पहले हम ये किनारी वाली साइड निकाल देंगे इसमें से। कभी भी किनारी वाली साइड नहीं लेनी चाहिए आपको सलवार में, क्योंकि इससे क्या होता है कि वहां से एक तो फिनिशिंग खराब होती है, और दूसरा फिर ये कपड़ा हमारा खिंचता है। तो इसीलिए मैं दोनों किनारे, जो टाइट कपड़ा होता है थोड़ा सा यहाँ से सख्त होता है, तो इसको मैं पूरा निकाल दूंगी इसमें से। तो ये देखिए, किनारी वाला पार्ट मैंने निकाल दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारी खुली साइड है, वो बंद साइड है, तो हमें कपड़ा कैसे बचाना होता है, तो हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये कपड़ा बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी चौड़ाई देखेंगे। जैसे कि हमें अपनी मोहरी की जो चौड़ाई रखनी है वो 6.5 इंच रखनी है, तो उसमें हम लगभग 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे, तो हम टोटल 8 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। क्योंकि हमें अपनी जो कलियां हैं वो भी जोड़नी है, उसमें भी जाता है हमारा 1 इंच कपड़ा, तो 8 इंच हमने ले लिया है। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसी सीधी लाइन के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। मैं सबसे सही तरीका बताऊंगी आज आपको सलवार बनाने का, और प्लेटें कैसे लगाते हैं वो भी अच्छे से समझाऊंगी। आप वीडियो में बस अंत तक बने रहिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास आ गई हैं दो पार्ट आ गए हैं। ये देखिए, एक और ये, दो पार्ट चाहिए होते हैं हमको, और 4 कलियाँ चाहिए होती, तो हमारे पार्ट निकल गए हैं। अभी देखिए, हमारे पास ही इतना फैब्रिक बच गया है जिससे हम अपनी मोहरी भी बना सकते हैं, या फिर अब हमें जैसे सलवार में बेल्ट में जोड़ लगाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमारा ये कपड़ा बच जाता है। तो ये हो गया। अब हम इसकी बेल्ट कट कर लेते हैं। तो बेल्ट के लिए हम सेम कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, 2 फोल्ड करने के बाद, अब जैसे कि हमें अपनी जो बेल्ट की लेंथ है वो 8 इंच पे रखनी है, तो उसमें हम लगभग 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि इसमें हम अपनी जो नाड़ा है वो भी, उसके लिए डोरी के लिए नाड़ा बनाएंगे नेफा, तो उसके लिए रखेंगे। तो हम 9 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे, और 1 इंच हमने उसमें भी मार्जिन ले लिया है अपने पार्ट में। तो यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और फिर जो बाकी का फैब्रिक बचेगा उससे हमें अपनी कलियाँ कट करनी है। अब इन तीनों पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे,
अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये बेल्ट की कटिंग हो गई है और मैं आपको अब इसकी चौड़ाई भी बता देती हूँ। जितनी भी आपकी कमर होती है उसमें 5 इंच ज़्यादा लेते हैं हम, तो यहाँ से जैसे कि हमें इसमें चाहिए लगभग 24 इंच, ठीक है। तो मेरा जो थोड़ा सा कपड़ा इसमें जुड़ेगा वो जो अभी हमारा ये वाला फैब्रिक बचा है इसी में से हम जोड़ लेंगे। तो अब हमारा जो बाकी का कपड़ा बचा है पार्ट और बेल्ट कट करने के बाद, उसको हम ऐसे पकड़ के और 2 तह में बिछाएंगे। ये देखिए, इसको हम 2 तह करके बिछा लेंगे कलियों के लिए। फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा रखा है। ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो अभी हमें क्या करना है कि जो आसन का निशान है हम वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक तो खुली साइड को निशान लगेगा और एक बंद साइड को, यानी एक ऐसे तिरछा निशान लगाना है। ये बस यहीं से थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि निशान तिरछा लगेगा, एक इस कोने पे और एक दूसरे कोने पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 8 इंच अपनी बेल्ट का निकाल दीजिए आप, ठीक है। और आपको अपनी आसन का निशान लगाना है। अगर आप हेल्दी हो तो इस निशान को आप 16 इंच पे लगाइए, आप मीडियम हो तो 15 इंच पे लगाइए। तो मैं यहाँ से 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर हम ऐसे नापेंगे तो ये निशान हमारा 7 इंच पे आता है, ठीक है। तो हमने जैसे 7 इंच पे इधर लगाया, 7 इंच पे ही हमें सेम दूसरी साइड लगाना है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी 8 इंच निकाल के और हम यहाँ से 15 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी हम क्या करेंगे कि हमें इसमें कली की चौड़ाई नहीं रखनी है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें ये 0 मोहरी चाहिए, छोटी मोहरी बोलते हैं। अगर आप चाहें तो कली की चौड़ाई यहाँ से रख सकती हैं, 1 इंच 2 इंच जितना बढ़ाना चाहें। हम बिल्कुल इंच टेप को यहाँ से और जो हमारा ये वाला निशान है ये देखिए यहाँ तक मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम ऐसे निशान डाल देंगे इसमें। अब आप देख लीजिए, मैंने तिरछा करके रखा है इंच टेप को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने निशान को तिरछा करके लगा लिया है और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारे पास ये 2 कलियाँ आ जाएंगी। तो हमें टोटल 4 कलियाँ चाहिए, तो हमें 4 कली आराम से मिल जाएंगी। तो ये हो गया हमारा इसका पूरा कटिंग। अब हमें जो बंद साइड से कलियाँ मिली हैं उनको हम खोलेंगे और अलग करेंगे। जैसे ये साइड हमारी बंद है, एक आपको आसन वाली साइड बंद मिलेगी और एक आपको कली वाली साइड बंद मिलेगी। तो ये हो गई और एक हमारी ये साइड बंद है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पार्ट की, जैसे हमारे पार्ट की लंबाई थी 33 इंच पे। ये तो हो गई हमारी कलियां। देखिए, 2 कली हमारी ये रही और 2 कली हमारी ये रही, और इनको बोलते हैं हम पार्ट, ठीक है। कई बार इनको कुंदे भी बोलते हैं, पार्ट भी बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता कि पार्ट किसको बोलते हैं। तो जिनको हम कुंदे बोलते हैं उन्हीं को पार्ट बोलते हैं। ये कलियां हैं जो यहाँ पे जोड़ी जाएंगी हमारी। तो इनको जोड़ना कैसे है, जैसे एक ऐसे रखना है कली को और एक कली इधर और एक कली इधर, दोनों साइड जुड़ेंगी। ये अपना पार्ट रखा, ठीक है। अब इसकी साइड में हमें कलियां रखनी है। जैसे ये कली की हमारी लंबी साइड है, तो सीधे उल्टे का ध्यान रखें, दोनों उल्टी साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कलियाँ सिल ली हैं। मैंने बीच में पार्ट रखा है और साइड में दोनों कलियाँ सिल ली हैं। अभी हमें क्या करना है, दोनों को ऐसे रखना है, सीधे से सीधा साइड मिला के, और इसका जो बैक वाला आसन है इसको सिल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक वाला आसन सिल लिया है। अब मैं 3 इंच एक साइड को और 3 इंच एक साइड को निशान लगा लूँगी टोटल। अब इनमें 2 प्लेट डाल देंगे। ये पीछे की 2 प्लेट होंगी जो बॉक्स प्लेट होती हैं, ये पीछे की साइड की, ध्यान रखें ये बैक पार्ट है हमारा। और 2 पिन लगाने के बाद, अब उसके बाद हमको देखना है कि हमें जो अपना वो करना है, प्लेट लगानी है, वो कितने तक लगानी है। तो अपना बेल्ट ले लीजिए। बेल्ट में भी हमने जो कपड़ा जोड़ना था जोड़ के सेंटर कर लिया है। अब हमें देखना है, हमें 15 इंच तक प्लेट डालनी है और दोनों साइड को निशान लगा लेना है। यहाँ से और यहाँ तक हमारा 8 इंच कपड़ा छूटेगा, यानी टोटल 16 इंच कपड़ा तो हमारा छूटेगा। इतना ये सेंटर हो गया और ये साइड का कपड़ा छूटेगा। बाकी का जितना भी फैब्रिक है उसमें हमारी प्लेट्स आएंगी। अब चलिए प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। तो बैक पार्ट से स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी 2 प्लेट हैं उनको सिल लेंगे हम। अब उसके बाद ये दोनों सिलने के बाद अब हम अपनी बेल्ट को रख लेंगे। और ध्यान रखें, सीधी साइड से रखनी है सलवार आपको।
ये सीधी साइड है हमारी, और बेल्ट को उल्टा करके रख लेना है इसके ऊपर। और पहले हम सेंटर से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो मैंने 20 सेंटर में निशान, अब 8 इंच तक मैं खाली सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। 8 इंच तक मुझे कोई भी प्लेट नहीं डालनी है, अब उसके बाद मुझे प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। तो प्लेट का जो डायरेक्शन है वो मैं अपनी साइड को कर रही हूँ, यानी आसन वाली साइड को इसका मुँह होगा, और मैं प्लेट की चौड़ाई है वो लगभग 2.5 से 3 इंच की ले रही हूँ। और ध्यान रखना है हमें जितनी भी हमारी प्लेट है वो हमें इतने ही कपड़े में एडजस्ट करनी है। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने पूरे में प्लेट डाल दी है, अब सेम हमें दूसरी साइड को डालनी है। ये देखिए एक साइड को डल गई हैं, अब हम दूसरी साइड को डालेंगे। पहले हम 8 इंच तक खाली सिलाई लगाएंगे, ये सेंटर के बाद 8 इंच तक खाली सिलाई लगाने के बाद, अब आपको समझ में आ गया होगा, पीछे से 16 इंच तक खाली सिलाई लगा लीजिए, फिर जितना भी आपका कपड़ा बचता है उसमें आप प्लेट डाल दीजिए। तो देखिए मैं एक साथ लगभग 6 से 7 प्लेट बना लेती हूँ 3-3 इंच की, और फिर एक बार में ही मैं बेल्ट को रख के और सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए उससे हमारी प्लेट बहुत अच्छी आती हैं और जल्दी भी डल जाती हैं, तो आप इस तरीके से भी डाल सकती हैं। तो ऐसे ही हमें पूरे ही कपड़े को अपना एडजस्ट कर देना है प्लेट डाल के। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये पूरे में प्लेट डाल दी है, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अभी मैं इसमें एक सिलाई लगा दूँगी, ताकि ये जो हमारा बेल्ट कभी मतलब जो कभी कई बार प्लेट निकल जाती है ना बेल्ट इससे अलग, तो वो ना निकले, तो उसके लिए हम एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसका नेफा बनाएंगे जिसमें हम नाड़ा डालेंगे। और सलवार में हमेशा आप नाड़ा ही डालें, क्योंकि इलास्टिक डालने से क्या होता है कि ये है जो प्लेट की वजह से थोड़ी भारी हो जाती है सलवार, तो फिर वो खिसकती है, तो इसीलिए इसमें आप नाड़ा ही डालें। आधा इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है, और एक इंच सिलने के बाद यहाँ से हम सीधा सिलाई कर देंगे आसन तक नेफा बनाने के लिए। आपको जैसे नेफा आता हो बनाना आप उस तरीके से भी बना सकती हैं, मैंने 2-3 तरीके से सिखाया हुआ है नेफा अपनी सिलाई क्लास में, आप वो भी देख सकती हैं। तो यहाँ से मैंने पहले आधा इंच पे सिलाई लगाई, और फिर 1 इंच कपड़ा खाली छोड़ के उसमें हम ऐसे साइडों को सिलाई लगा देंगे दोनों साइड को। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरे में लगा दी है सिलाई। अभी हम क्या करेंगे कि इसको मोड़ेंगे, मतलब जितना भी आपको मोड़ना है उतना आप ऐसे मोड़ लीजिए। तो मुझे इसमें लगभग 1.5-1.5 इंच मोड़ना है, क्योंकि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो आधा इंच तो मेरा सिलाई में चला गया, और मैंने नीचे कली में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो जब कली जोड़ेंगे उसमें भी जाएगा, तो इसीलिए हमने इसमें टोटल 3 इंच का मार्जिन लिया था। 2 इंच हमने बेल्ट में लिया था, 1 इंच हमने अपने पार्ट में लिया था। तो ये देखिए हम पूरे में ही ऐसे ही गोल गोल सिलाई लगा देंगे, और इस सिलाई को हम पूरे नेफे पे लगा देंगे। तो यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी हम इसमें अपना वो बनाएंगे मोहरी। तो सबसे पहले हमने एक 3 इंच चौड़ा कपड़ा लेके और इस कपड़े को रख लेना है इस तरीके से, और सिलाई कर देंगे सीधा, खींच देंगे इसको। और अब हमने पेपर पेस्टिंग, ये फॉर्म वाली बुकरम है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच पे, अब इसको हम ऐसे रख लेंगे उल्टी साइड को। इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, पहले कपड़े को सिलना है फिर उसके बाद आपको इसको सिलना है। अब यहाँ तक हम ऐसे पूरा ऐसे सिलाई लगा देंगे। दोनों मोहरियों को हमें सेम ऐसे ही बना लेना है। अब इसको हम पूरा अच्छे से सेट करके उल्टी साइड को पलट के, अब जो भी आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहती हैं वो आप डिज़ाइन बना लीजिए। तो मैं यहाँ से पहले सीधी सीधी लाइन बनाऊंगी, फिर मैं इसमें जिगजैग वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें लगभग 4 से 5 लाइन बना के सिलाई की, और फिर उसके बाद मैं इसमें जिगजैग वाला सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी साइड को भी हम सेम ऐसे ही लग कर लेंगे। अब मोहरी की चौड़ाई रखेंगे, मैं 6.5 इंच की मोहरी की चौड़ाई रख रही हूँ, उसके बाद हम सिलाई को ऐसे तिरछा करके लगाएंगे ऐसे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम इसमें से कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हम ऐसे ही सिलाई को लगाते हुए लाएंगे, आसन तक कंप्लीट कर देंगे सिलाई को।
अब एक्स्ट्रा कपड़े को मैं इसमें से कट कर रही हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा। ये देखिए मैंने लगभग 1-1 इंच, और इसको ऐसे खींच देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सलवार हमारी बनके एकदम तैयार है। आप देख ही सकती हैं इसका फाइनल लुक, कितना प्यारा लुक आ रहा है। बैक से भी इसकी बहुत अच्छी प्लेटें आई हैं। अगर आप भी इसी टाइप की सलवार बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने लिए ज़रूर बनाएं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद। अब ये जो इसने यस मांगा है ना, इसको भी आप लोग कमांड में हाइपरबाइक डालो, राइट सकते हैं ना।